नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो पे। तो बेल गए, जो आज का वीडियो होने वाला वो काफी खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो GTA 5 अपने पीसी या लैपटॉप पे खेलना चाहते हैं, पर वो खेल इसलिए नहीं पा रहे, ना तो उनके पास अच्छा ग्राफिक कार्ड है, ना तो भैया अच्छा प्रोसेसर है। तो भाई करे तो करे क्या। वेल गाइस, घबराने की कोई बात नहीं। इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेके अंत तक देखते हो, गारंटी देता हूँ कि आप अपने GTA 5 पे लैग फेस कर रहे हो, ग्राफिक कार्ड के इशू की वजह से अगर आप अपनी गेम को खेल नहीं पा रहे हो, तो यहाँ पर आपका जो प्रॉब्लम है सॉल्व होने वाला है। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है, आपको वो हर एक स्टेप फॉलो करना है दोस्तों जो इस वीडियो पर मैं आपको बताने वाला हूँ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई प्लीज सब्सक्राइब कर दे, एंड बगल जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दे। पेस्ट किए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना है, हमारा जो FPS बूस्ट पैक है उसे आपको डाउनलोड कर लेना है। ये फाइल आपको मेरे वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। इसका साइज अप्रॉक्स 3 MB के आसपास है। सिंपली हम इसे एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो FPS बूस्ट पैक है वो एक्सट्रैक्ट हो चुका है। तो यहाँ पर आपको कुछ फाइल्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहला कन्फिग है, देन गेम बूस्टर, तीसरा है गेम ऑप्टिमाइज। सबसे पहले हम कन्फिग पे चलते हैं। यहाँ पर आपको सेटिंग दिखेगा, सिंपली आपको इसमें राइट क्लिक करना है। यहाँ पर आपको जाना है मोर विथ में, एंड नोट पैड से इसे ओपन कर लेना। ऊपर से लेके नीचे तक यहाँ पर आपको पूरा यहाँ पर कॉपी कर लेना है, वीडियो तक। ठीक है, मेक श्योर कि आप वीडियो तक कॉपी कर ले। यहाँ हमारा कॉपी हो गया। अब आपको जाना है यहाँ डॉक्यूमेंट्स में। यहाँ पर आपका गेम्स दिखेगा, सिंपली यहाँ पर आपको GTA 5 का यहाँ पर आपको फोल्डर देखने को मिलेगा। सेम सेटिंग का यहाँ पर आपको एक डॉक्यूमेंट दिखेगा, सिंपली राइट क्लिक करना है। सेम इसे आपको नोट पैड से ओपन कर लेना है। ऊपर से लेके नीचे तक वीडियो तक आपको यहाँ से डिलीट कर देना है। ठीक है, अब जो आपने कॉपी किया था सिंपली यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है। सिंपली आपको इसे सेव पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, हमारा फर्स्ट स्टेप दोस्तों यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो फिर से हम चलते हैं अपने FPS बूस्ट पैक पे, इंस्टॉल को यहाँ पर ओपन कर लेते हैं। एंड यहाँ पर आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना है। सिंपली आप कोई भी एक नॉर्मल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, सिंपली उसी तरह आपको यहाँ पर इंस्टॉल करना है। इस सॉफ्टवेयर का नाम है वॉइस गेम बूस्टर। काफ़ी बेहतरीन ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है दोस्तों आपके PC गेम्स के लिए। सिंपली अपन यह नेक्स्ट करते हैं, एंड नेक्स्ट करते हैं, इंस्टॉल पे क्लिक कर लेते हैं। विद इन अ सेकेंड ये इंस्टॉल हो जाएगा। सिंपली इन दोनों को आपको अनचेक करना है एंड फिनिश पे क्लिक करना है। ठीक है, हमारा सेकंड स्टेप भी यहाँ कंप्लीट होता है। आप क्या करते हैं दोस्तों, हमें गेम ऑप्टिमाइज पे जाना है। यहाँ पर इसे आपको डबल टैप करना है, यस करना है, यस करना है, एंड बूम, यहाँ भी हमारा जो गेम ऑप्टिमाइज फाइल वाला काम कंप्लीट होता है। तो यहाँ हमने जो हमारा जो मेन FPS वाला काम था वो कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पर हमें कुछ सेटिंग्स करना है। जैसे गेम यहाँ पर आपको सर्च करना है, गेम मोड सेटिंग्स पे चले जाना आपको। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको देखना है कि ये जो आपका गेम मोड है प्रॉपरली ऑन हो। यहाँ पर हम फिर से चलते हैं, एंड यहाँ पर आपको चलना है पावर प्लान में। ऑलराइट, तो यहाँ पर अपना जो पावर प्लान खुल चुका है, यहाँ पर आपको जाना है पावर ऑप्शंस पे। ठीक है, यहाँ पर आपको इसे हाई पे क्लिक कर लेना है। ठीक है, ये वाला काम भी हमारा सेकंड काम भी कंप्लीट हो जाता है। बैकग्राउंड ऐप सर्च करना है, एंड यहाँ पर जो आपका बैकग्राउंड ऐप आ जाएगा, सिंपली इसे हम ऑफ कर देंगे। हमें सब बैकग्राउंड ऐप को ऑफ कर देना है। इससे क्या होगा, जो आपका गेम का जो परफॉर्मेंस रहेगा वो काफ़ी हद तक आपको इंक्रीज देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा ये स्टेप भी कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर आपको सर्च करना है व्यू एडवांस सिस्टम सेटिंग्स पे आ जाना है। एंड यहाँ पर आपको दोस्तों सेटिंग्स पे आ जाना है, एंड एडजस्ट फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस सिंपली इसे अप्लाई सर्च पे आना है। यहाँ पर आपको टाइप करना है रन। रन टाइप करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है परसेंटेज 10%। सिंपली आपको ओके हिट करना है, एंड जितने भी यहाँ फाइल्स रहेंगे सिंपली आपको सेलेक्ट ऑल करके यहाँ से डिलीट कर देना है। अब आपको फिर से सर्च बटन पे जाना है, यहाँ पर आपको टाइप करना है PREFETCH। ठीक है, आपको ओके हिट करना है, एंड यहाँ पर जितने भी आपको फाइल्स दिखेंगे सिंपली आपको इसे डिलीट कर देना है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट सभी काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब क्या करना है दोस्तों, हमने एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था, हमें वॉइस गेमिंग बूस्टर, सिंपली आप इसे ओपन कर ले अब। एंड अब क्या करना है दोस्तों, यहाँ पर आपको ये ऑप्टिमाइज ऑल करके दिख रहा है, सिंपली आपको इस पर क्लिक कर लेना है कंप्लीट। तो वेल गाइस, ये क्या करेगा कि जितने भी आपको बैकग्राउंड में अननेसेसरी एप्लीकेशन या अननेसेसरी प्रोग्राम चलेगा वो उसे क्लोज कर देगा, एंड आपका जो परफॉर्मेंस रहेगा या सिस्टम का वो काफ़ी इन्हांस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐड गेम में आपको गेम क्लिक करने का कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आप इसे अब कट कर ले। जब भी गेम आप ओपन करें, सॉफ्टवेयर को ओपन करना, ऑप्टिमाइज ऑल करना, एंड गेम को यहाँ से डायरेक्टली प्ले करना। सिंपली अब हम क्या करते हैं, गेम को रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करते हैं अब, एंड देखते हैं कि अपने को कैसा ग्राफिक्स एंड कैसा परफॉर्मेंस देखने को मिल जाता है। देख सकते हैं यहाँ पर हमारा गेम काफ़ी ओपी चल रहा है, एंड यहाँ पर अपने कोई भी लैगनेस का इशू देखने को नहीं मिल रहा है। एंड इस गेम में आपको उतना भी ग्राफिक डल देखने को नहीं मिलता है कि भैया पूरा ही मतलब ग्राफिक ब्लर हो जाए। यहाँ पर आपके हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया कि आप अच्छे से
प्ले कर सको GTA 5 अपने लो एंड पीसी लैपटॉप पे। आई होप दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड अपने उस फ्रेंड से जरूर शेयर करना जो भाई GTA 5 को बहुत ही लैग करके खेल रहा है या उस पर GTA 5 चल नहीं पा रहा है। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखना और अपने परिवार का ख्याल रखना। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।